नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। और देहरादून की एक बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं, जिसमें संविधान बचाओ संगठन के कुछ पदाधिकारियों ने आज देहरादून एसएसपी से मुलाकात की। और मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा कि कुछ व्यक्ति विशेष द्वारा हमारे समाज को यानी मुस्लिम समाज के प्रति नफरत फैलाने का कार्य किया जा रहा है, चाहे कुछ भी गंदा काम हो उसमें मुस्लिम समाज को ही कलंकित किया जा रहा है। इस पर आप बड़ी से बड़ी कार्यवाही करें और कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें, क्योंकि बजरंग दल हो या कोई भी अन्य दल, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। आगे देखिए पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा, क्योंकि एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम भी वहीं मौजूद थी। क्या कुछ कहा उन पदाधिकारियों ने और क्या कुछ आश्वासन दिया देहरादून एसएसपी ने। 11 सितंबर 2024 संविधान बचाओ गठबंधन के पदाधिकारियों ने देहरादून की नष्ट होती गंगा, जमुनी तहजीब, बिगड़ते सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की, चाहे वो किसी जाति धर्म का व्यक्ति हो। पिछले कुछ दिनों से मुसलमानों को निशाना बनाने वाले, मुसलमानों को जिहादी कहने वाले, मुसलमानों को आतंकवादी कहने वाले राकेश उत्तराखंडी, श्रीमती राधा धोनी, बजरंग दल के विकास शर्मा के विरुद्ध कानून सम्मत कड़ी कार्रवाई करने की मांग की और कहा है कि कोई मुस्लिम भी, हिंदू सहित किसी भी समुदाय के खिलाफ कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, समाज में सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने का काम करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। एसएसपी देहरादून श्री अजय सिंह ने प्रतिनिधिमंडल की बात को गंभीरता से सुना और देहरादून जिले का सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई देहरादून पुलिस करेगी। प्रतिनिधिमंडल में संगठन के पदाधिकारी और समाजवादी अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय सचिव और जिला प्रभारी समाजवादी पार्टी देहरादून गुलफाम वाले, आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव नशीर खान, कांग्रेस नेत्री श्रीमती रईस फातिमा, समाजवादी पार्टी देहरादून के पूर्व जिलाध्यक्ष फुरकान कुरैशी, यूकेडी के नेता और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी लता फतह हुसैन, उत्तराखंड बार एसोसिएशन की पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट रजिया बैग, समाजवादी पार्टी के जिला प्रवक्ता नासिर मसूरी मौजूद रहे। देखिए भाई, इस वक्त हम एसएसपी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं और मेरे साथ कुछ संविधान बचाओ संगठन के पदाधिकारी मौजूद हैं, जिन्होंने आज एसएसपी से बात की है। और बात करने का विषय देखिए ये है कि इन लोगों की मांग है कि कुछ व्यक्ति विशेष द्वारा एक पर्टिकुलर समुदाय को लेकर नफरत फैलाई जा रही है, और वो पर्टिकुलर समुदाय है मुसलमानों को लेकर नफरत फैलाई जा रही है कि जितने भी हरकत है या जितने भी तमाम गंदे काम है, या आप कुछ भी मान सकते हैं, महिलाओं को छेड़ना हो या उनके प्रति गंदे कमेंट्स करना हो, ये कुछ भी तरीके के काम हो वो एक पर्टिकुलर समुदाय यानी मुसलमानों के द्वारा किए जाते हैं। उसमें इन्होंने व्यक्ति विशेष के नाम भी दर्ज कराए हैं, जिसमें राकेश उत्तराखंडी और राधा धोनी और राकेश वर्मा इस तरीके, हाँ, विकास वर्मा, इस तरह के कुछ नाम शामिल है। तो आज इन लोगों ने एसएसपी से बात की, उन्होंने कहा कि देखिए इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरीके के हमारे समुदाय को लेकर जो नफरत फैलाने का काम है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब इन्हीं लोगों से जान लेते हैं कि क्या कुछ मांगे थे और एसएसपी ने क्या कुछ सर से बोला, कहा कि इस पर कार्रवाई करी जाएगी नहीं की जाएगी। अब ज़्यादा डिटेल में वो सर से जान लेते हैं। जी गोसावाले, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि क्या कुछ आपकी वार्ता हुई एसएसपी जी से, क्या कुछ उन्होंने कहा? आज संविधान बचाओ गठबंधन का एक प्रतिनिधिमंडल देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अध्यक्ष अजय सिंह जी से मिला, और देहरादून जिले में जो शांत जिला है वो शांति प्रिय है, यहाँ पर सभी जाति धर्मों के लोग बड़े अमन चैन और सुकून से रहते हैं जी। और पूरा उत्तराखंड का ही ये स्वरूप है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं कि कुछ तथाकथित संगठन या व्यक्ति देहरादून जिले में यहाँ की जो अमन चैन भाईचारे की जो भावना है, जो सांप्रदायिक सौहार्द है, उसको ख़त्म करने का काम कर रहा है जी। अभी पिछले महीने एक यहाँ पर राधा धोनी है कोई, तो उसने भी जो है मुसलमानों के खिलाफ अनगणन जो है वो किया और मुसलमानों को जिहादी आतंकवादी और उनको बाहरी बताया, उसको भी लेकर। एक राकेश उत्तराखंडी है जो विकासनगर और कालची क्षेत्र में सक्रिय रहता है और वहाँ पर मुसलमान व्यापारियों पर सबको जो है निशाना बनाता है और उनको पूरे समुदाय को, मुस्लिम समुदाय को गालियाँ देता है, उनको आतंकवादी कहता है, उनको जिहादी कहता है, उनको भारी कहता है, उसको लेके। और एक जो घटना यहाँ पर पल्टन बाज़ार में जूतों की दुकान में हुई, उत्तराखंड बचाओ संविधान गठबंधन या मुसलमान किसी भी अपराधी का हिमायती नहीं है, किसी भी अपराधी की तरफदारी नहीं करता है। अगर कोई अपराध करता है तो उसको भारतीय कानून के तहत संविधान के अनुसार कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, किसी मुसलमान को इसमें ऐतराज नहीं है। ठीक है, लेकिन जो घटना यहाँ पर हुई, कोई विकास वर्मा नाम का एक व्यापारी है या व्यापारी का बाहर का है, जिस तरीके से उसके आरोपी के साथ में उन्होंने मारपीट की,
और मारपीट करने के बाद में फिर वो जुलूस निकालकर उसको जो है पलटन बयारमो को लेकर गए आरोपी को, क्योंकि वो मुस्लिम समुदाय का था। और उसके बाद में जो है मुसलमानों को उन्होंने अपशब्द कहे और मुसलमानों को गालियां दी, जिहादी कहा और जो कह सकते थे वो कहा। उसके लिए हमने, क्योंकि हमारा देश का संविधान ये कहता है कि कोई अपराध करता है तो उसको पुलिस सजा दे, कानून सजा दे, पुलिस उसको गिरफ्तार करे, उसको कड़ी से कड़ी सजा दे। तो आज हम वो SSP महोदय जी से मिले थे, उन्होंने हमारी बात को गंभीरता सुना और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि देहरादून की जो आबो हवा है, जो फिजा है, जो यहाँ गंगा जमनी तहजीब है, उसको भी किसी तरीके से तहस नहस नहीं होने दिया जाएगा। और जो इस तरीके की जो है किसी धर्म विशेष के प्रति अनगलत टिप्पणी करेगा, उसके खिलाफ पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। सर मुझे बताइएगा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ आप ही के धर्म को, आप ही के समुदाय के लोगों को ऐसा कहा जाता है, टिप्पणी करी जाती है, जिहादी बताया जाता है या बाहरी लोग बताया जाता है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि उन लोगों की जो मानसिकता है वो आपको लेके यही नफरत फैलाने वाली मानसिकता, ऐसा आप लोगों को क्यों प्रतीत होता है? नहीं, ऐसा दिखता है, क्षेत्र में दिखता है, कार्य में दिखता है। आपको मेरी छोड़िए, आप खुद हैं पत्रकार, आपको ये गली गली मोहल्ले मोहल्ले दिखता होगा। ये चीज़ कहने से तो कोई फायदा नहीं होता कि हमको लगता है, आपको भी लगता है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों को भी ये लगता है। और आज हमारी SSP साहब से बात हुई है, उनको हमने ये कहा कि आप एक एडवाइजरी जारी करें, जो कानून का काम है वो कानून करे, जो पुलिस का काम है वो पुलिस करे, पब्लिक उसमें किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर कोई क्राइम करता है तो वो काम पुलिस का है, पुलिस उसे पकड़े और अपने हिसाब से उसे जो भी अपराध होता है उसकी उसमें सजा दिलाए। तो आज SSP साहब से काफ़ी देर तक बात हुई तो उन्होंने बड़ा अच्छा इसका रिस्पांस दिया। तो वो कह रहे थे कि मैं एक को देखूंगा, बल्कि उन्होंने कहा कि मेरी तरफ भी कुछ FIR हुई है, अभी तो वो लोग बच सकते हैं, लेकिन जब वो कोर्ट कचहरी में आएंगे तब उनको पता चल जाएगा कि ये जो हम कह रहे हैं इसका क्या असर होता है। अभी किसी न किसी दबाव से या कहीं ना कहीं किसी प्रेशर से वो काम करते हैं, लेकिन हमारी बात हुई है। तो मैंने सिर्फ यही अपनी मांग रखी कि आप थोड़ा इंक्वायरी जारी करें SO वगैरह को, थानेदारों को, कि इन चीज़ों पर कड़ी निगरानी रखें। ठीक है सर, ठीक है। क्या कुछ SP द्वारा शासन आप लोगों को दिया गया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, क्योंकि देखिए देहरादून ही नहीं पूरा हिंदुस्तान भाईचारे के नाम पर चलता है, सब में भाईचारा है, कोई जाति विशेष की बात नहीं है। क्या आश्वासन दिया? देहरादून सुंदरदून और यहाँ अच्छे खासे लीची के बगीचे होते थे और यहाँ लोग घूमने आते थे। अब जब से ये राज्य बना, उत्तराखंड यहाँ राजधानी बन गई और देहरादून में प्रदूषण है, देहरादून की तरफ कोई आता नहीं, तो जो सरकार है और सरकार के मुखिया और जो दल की सरकार है, जब उन्हें सवाल का जवाब देना पड़ता है कि आपके दून मेडिकल कॉलेज के सामने पानी क्यों भर रहा, देहरादून में क्यों नहीं निकला जा रहा, राजधानी में प्रदूषण क्यों है, तो वो इस तरह की घटना अपने के टट्टू से कराते हैं। ये जो विकास वर्मा है, राकेश खंडूरी है, ये बीजेपी के किराए के भड़वे हैं, ये और कुछ नहीं है, भाजपा कराती है। वो सही सवाल से बचना चाहती है। उत्तराखंड की राजधानी नहीं है अभी तक, उत्तराखंड में प्लान नहीं रुका अभी तक, उत्तराखंड में अच्छी सड़कें नहीं है, उत्तराखंड पूरे देश को पानी और बिजली दे रहा, उत्तराखंडियों को बिजली और पानी महंगी खरीदनी पड़ रही, उत्तराखंड में किसान और माता और बहनें रात दिन काम करके फसल तैयार करते हैं और जब फसल आती है तो जंगली जानवर खा जाते हैं, तो उत्तराखंड की कोई सुरक्षा नहीं कर रहे। तो ये भाजपा के जो लोग हैं ये नफरती चिंटू हैं और ये सही सवालों से बचने के लिए हिंदू मुस्लिम का कोई पकड़ लेते हैं। और मैं नहीं समझता कि पलटन बाजार में कोई लड़की छेड़ सकता है। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे तमाम कैमरे लगे हुए, तमाम चीजें हैं, वहाँ ऐसी घटना है नहीं हो सकती। मुझे बात बताइए, अभी तो फिलहाल ये मामला चला है कि आपके समुदाय के लोगों के द्वारा नफरत फैलाई जा रही है आपके लोग, अब इसमें पार्टी का इन्वॉल्वमेंट कहाँ से हो जाता है? अब आप